नमस्कार। 50 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, और उसी के प्रकार से क्या क्या इनके उंगलियों के फल हैं, क्या क्या इनके पर्वों के फल हैं, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इन सब के बारे में क्रम से बताऊंगा और अंत में जवाब दूंगा आपके सवालों के। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली अगर देखता हूँ तो कुल मिलाकर नहीं पहुँची है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट तक नहीं पहुँचती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से उसका व्यापार हो, उसका नौकरी हो, उसका कार्य स्रोत कुछ भी हो, उसके अंदर अप डाउन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यहाँ इस प्रकार का इसका फल माना जाता है। बौद्धिक क्षमता के हिसाब से ठीक है, क्योंकि उंगली के सेकंड पर्व से आधे से ज़्यादा जा रही है, यानी कुल मिलाकर मानसिक स्थिति यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है, और सेकंड पर्वत पर भी किसी भी प्रकार से भाषा शैली खराब होने के संकेत नहीं है, यानी आपकी भाषा सुंदर है, किसी से आप खामोखा ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तीसरा पर्व, उस पर सम रूप से रेखाएं हैं, यानी कैसे भी है आपके निश्चित रूप से स्रोत बने हुए हैं धन के आगमन के आज भी। अब बात करता हूं मैं यहां पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और व्यक्ति के जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए, और साथ ही साथ प्रथम उंगली पर चक्र भी है, यानी कुल मिलाकर अभी कोई यहाँ बड़े आँखों के रोग नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार से अभी कोई बीपी के रोग नहीं, किसी भी तरीके के किसी अग्नि कांड के योग नहीं, तो यहाँ ये सब चीज़ें, यहाँ पर एक्सीडेंट भी देखा जाता है वर्तमान में या आगे आने वाला, वो ऐसा कुछ नहीं। और सेकंड पर्वत पर आपको कहें तो वो कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कोई रेखाओं के योग नहीं, और तीसरे पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर सम्मानित परिवार से आप हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की, और वो है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली प्रथम पर्व बताता है व्यक्ति क्या स्थायी रोग कोई हो गया है कि नहीं। अभी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का स्थायी रोग नहीं है। अगर कोई दवाई लग गई है आपकी तो उसका स्थायी रोग नहीं है, आप उसको योगा से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से, जैसे भी चाहें वैसे ठीक कर सकते हैं, अभी वो स्थायी रूप से नहीं है। अच्छी ग्रहण शक्ति है क्योंकि यह भी चक्र मौजूद है। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से कर्ज की रेखाएं दिखाई नहीं देती, यानी ये वो रेखा है जिसके, यहाँ जो पर्वत है इस पर भले ही बहुत ज़्यादा खड़ी हुई रेखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के कोई भी यहाँ कर्ज के या पैसा डूबने के योग नहीं है, ये यहाँ पर जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरा पर्व धन संपत्ति पार्टनरशिप के हिसाब से, धन संपत्ति परिवार के हिसाब से कोई हो तो उसमें थोड़ा विवाद का सामना होता है, जिसमें व्यक्ति कुल मिलाकर अपने को ठगा सा महसूस करता है, ऐसा आपका आने वाले समय में हो सकता है, ये रेखाएं बताती हैं, सावधानी बरतें। आइए बात करता हूं मैं आपके यहाँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व से किसी प्रकार का रोग नहीं है, बहुत अच्छी ग्रहण शक्ति है, दूसरों से अच्छी बात करते हैं, व्यवहार सुंदर रखते हैं। सेकंड पर्वत पर पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार के कोई यहाँ पर खराब योग नहीं दिखाई देते, और थर्ड पर्वत पर थोड़ी सी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर परिवार में संतान से संबंधित आपकी चिंताएं हैं कि उनके बारे में कैसा क्या होगा। अब बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और यहाँ पर अच्छी खासी सुंदर स्थायी रेखा यहाँ पर नजर आती है, यानी अब भी व्यक्ति के पास में धन के आगमन के स्रोत ठीक प्रकार से हैं, ये अच्छे संकेत यहाँ पर हैं, जो बहुत अच्छे हैं, खराब हैं ये तो मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन वर्तमान में भी धन के आगमन आपके पास निरंतर रूप से बने हुए हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की, सूर्य की पर्वत की, और सूर्य पर्वत पर कोई भी रेखा पूरी तरह संपूर्ण नहीं, एक रेखा गई तो यहाँ रुक गई,
दूसरी गई तो यहां पहुंची तो ऊपर तक, लेकिन नीचे इनने जाकर हृदय रेखा को नहीं छुआ। और तीसरी रेखा ये, जब जब इस प्रकार की रेखाएं मिलती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में यदि कहें तो ये इस बात को बताती है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, राजनीतिक लोग भी आपको जानेंगे, लेकिन राजनीति से पूरा लाभ नहीं, राज्य सरकार के कार्यों से पूरा लाभ नहीं। यानी राज्य सरकार से लाभ मिले लेकिन जैसा व्यक्ति चाहे वैसा ना मिले, टेंडर्स चाहे बड़ा ना मिले छोटा मिल जाए, व्यक्ति किसी प्रकार का लोन चाहे बड़ा ना मिले छोटा मिल जाए, इस तरह के संकेतों को जाना जाता है ये सूर्य पर्व पर बनी हुई रेखाओं का फल। यहाँ शनि पर्व पर अग्नि बिखराव रूपी रेखाओं के रूप में धन रेखाएं हैं, फिर भी इन रेखाओं को क्योंकि एक दूसरे को काटती रही है, कोई आड़ी रेखा नहीं काटती है, कुल मिलाकर इसको कहते हैं निरंतर रूप से धीरे धीरे, देखिए स्टेयर्स भी बनी हुई हैं एक तरह से, जब इस प्रकार से स्टेयर्स की भाग्य रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति कदम बाई कदम सीढ़ी बाई सीढ़ी अपने जीवन में भाग्य को बनाता है। ये भाग्य रेखा खराब नहीं है, बस इनमें कम बात यह है कि ये एकदम बहुत तेजी से नहीं ले जाएंगी, ये व्यक्ति धीरे 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 क्रम से बढ़ता चला जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन में बनाएगा मकान, अगर इसको देखें तो बड़े मकान के लिए ये तीन रेखाएं बनती हैं, जब यहाँ कर चौथी रेखा लग जाए पीछे लगे या आगे लगे तो उस समय पर व्यक्ति का बड़ा भवन बनता है। मुझको लगता है शायद पीछे वाली रेखा बन जाए या आगे वाली बन जाए, लेकिन बनेगी अवश्य और बनेगा निश्चित रूप से मकान। कुल मिलाकर वर्तमान में संसाधन ठीक ठाक नजर आते हैं, कोई बृहस्पति ज़्यादा खराब नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में हृदय रेखा आपकी चली गई और जा करके बिल्कुल शनि पर्व के नीचे रुक गई। ये सर्वश्रेष्ठ रेखा होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई पति पत्नी के बीच में झगड़े का झंझट का योग नहीं दिखाई देता, इसके अंदर किसी भी प्रकार के हृदय रोग से संबंधित चीज़ नहीं दिखाई देती। इसके अंदर मैं देखता हूँ तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक है, तो स्वास्थ्य ठीक, पति पत्नी के संबंध ठीक और कुल मिलाकर कोई हृदय से संबंधित रोग भी नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके निम्न पर्वत पर्वत और वो मंगल पर्व है। अगर पूरे मंगल की रेखाओं को देखता हूँ तो अच्छी बात यह है कि सब की सब आयु रेखा के अंदर सिमट गई है। आयु रेखा के अंदर सिमटना बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि अगर ये आयु रेखा को काट के जाएंगी तो व्यक्ति के जीवन में उतना ज़्यादा संघर्ष हो जाता है। ऐसा नहीं कि धन नहीं मिलता है, संघर्ष हो जाता है। कुल मिलाकर ये मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में है, व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता, व्यक्ति कर्म करता है। ये इस प्रकार का अच्छा संकेत। अंगूठे का प्रथम पर्व यहाँ पर बिल्कुल मानसिक स्थिति मजबूत है। सेकंड पर्वत पर काटने वाली रेखाएं, व्यक्ति जहाँ तर्क की जरूरत पड़ती है वहाँ तर्क करता है, जहाँ शांत बैठने की जरूरत पड़ती है वहाँ शांत बैठता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी एक अन्य रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी एक यहाँ से पहले मंगल से शनि को भी गई है, मेहनत से धन कमाने की रेखा, और यहाँ आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो लगभग लगभग पूरे हाथ को पार करके ये जाती हुई, यानी आपके जीवन के अंदर बुद्धि से सही फैसले लेना, किसी प्रकार का कोई दीप का ना होना, ये बहुत अच्छा संकेत कहलाता है। थोड़ी सी भागदौड़ यहाँ से एक रेखा जा रही है और ये यहाँ पर इसमें अगर मर्ज जाती है तो व्यक्ति मन के अंदर बातों को छुपा करके भी रह जाता है, तो इस तरह की रेखा का संकेत है और सूर्य से पर्व है, थोड़ा भागदौड़ कराएगा, तो बुद्धि रेखा बहुत अच्छी आपकी निकली। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी पर्वत की, और वो है आपका द्वितीय पर्वत, मंगल द्वितीय पर्वत। कोई भी किसी भी प्रकार के कोई मुकदमे के, कोई झगड़े के, कोई झंझट के, कोई कोर्ट कचहरी के यहाँ पर किसी भी प्रकार के योग नहीं हैं, तो ये अच्छा सुंदर सा मंगल पर्व आपके अंदर ऊर्जा भी भरता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत के थोड़ा सा नीचे से रेखा निकल करके आई है, किसी प्रकार की विदेश रेखा का संबंध तो ये नहीं हो सकता, लेकिन बस इतना मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने खान पान पर कोई गलत खान पान हो तो उस पर ध्यान रखें, मानसिक चिंता डिप्रेशन या किसी प्रकार के अवसाद का कोई भी योग यहाँ पर नहीं है। तो ये एक रेखा केतु से जाती है, कभी कभी चल जाती है तो इसका अचानक से व्यक्ति को लाभ मिल जाता है, अभी कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी रेखा पर ये थोड़ा सा अलग हटके चलती है, यानी परिवार से
थोड़ा व्यक्ति को सपोर्ट मिला और कुछ अपने मन से किया, और उसके बाद 35 वर्ष के बाद या 34 से 35 वर्ष में लगभग आपने स्वतंत्र रूप से कोई अलग काम किया और उस काम को आप वर्तमान में भी चला रहे हैं। यहाँ 50 तक ये रेखा खिंची हुई है, तो इस प्रकार से इसमें और चीज़ें जो होंगी बताऊँगा। सूर्य पर्व के नीचे खड़ी रेखा थोड़ा व्यक्ति के जीवन में भागदौड़ कराती है, तो अच्छी खासी भाग्य रेखा कोई बुरा नहीं कह सकता। इससे एक रेखा निकलकर बुध पर बुध रेखा भी जा रही है जो अच्छा बहुत बेहतरीन ट्रायंगल भी आपके जीवन में बना रही है, बस इसका सहयोग जो है वो आपको ज़्यादा नहीं मिल सका। अगर ये सीधी निकल जाती तो इसका बहुत बड़ा ट्रायंगल का लाभ मिलता, इसका लाभ आपको नहीं मिला। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व बहुत ज़्यादा लग्जीरियस नहीं है, लेकिन सामान्य शुक्र पर्व आपके पास में है, यानी सामान्य संसाधन आपके पास है। अभी भूख अभी आपकी काफ़ी बाकी है। आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं, यहाँ से निकल करके आयु रेखा और शुक्र पर्व में भी अंदर इंटर कर गई है, कुल मिलाकर 80 प्लस की यह आयु रेखा कहलाती है, तो आयु रेखा भी आपके पास ठीक है। इस तरह से तो ये हाथ की रेखाएं सब मैंने पढ़ी, इनके जो फल हैं उन रेखाओं का फल पढ़ा है, लेकिन सवाल के लिए बहुत सारे पर्वतों को जोड़ना पड़ता है, जैसा सब्जेक्ट होता है उसके कारकों को देखना पड़ता है हाथ के अंदर, और उन कारकों के द्वारा सवालों के जवाब बनते हैं। सबसे पहले आपने पूछा दाम्पत्य जीवन कैसा है और संतान सुख कैसा है, दोनों को ही पूरे नंबर हैं। किसी प्रकार से वर्तमान के अंदर ना तो दाम्पत्य जीवन में कोई अलगाव है, वर्तमान के अंदर संतान से संबंधित कोई चिंता है, उनकी पढ़ाई से शिक्षा से कुछ और चीज़ों से वो आपकी पूरी हो जाएगी, उसकी ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों ठीक है। मकान प्रॉपर्टी सुख कैसा, एक बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, कब तक बनेगा। बृहस्पति पर्व देख लिया, लगता है वहाँ चौथी रखी यानी चतुर्भुज बनने वाला है कोई बड़ा। दूसरी बात, मकान का कारक अगर देखा जाएगा तो मंगल का इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल दोनों पर्वतों पर मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी है। साथ ही साथ 50 वर्ष के बाद किसी खड़ी रेखा को अगर आयु रेखा पर देखता हूँ तो अभी वो वहाँ पर नहीं आती है, और यदि मैं आपकी रेखा के अंदर जाता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर भी अभी वो रेखा नज़र नहीं आती, जिससे मैं बता सकता हूँ कि कम से कम आने वाले 5 साल, हस्तरेखा को कभी 5 साल से ज़्यादा नहीं पढ़ाता। ये जो बड़ा मकान वाली बात आप करते हैं, ये आने वाले 5 साल में मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता कि ये पूरी आपकी हो पाए, तो अभी हो सकता है कि 5 साल के बाद हो, लेकिन 5 साल तक नहीं है, उस समय कुछ चिन्ह बन सकते हैं। कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कैसी सफलता मिलेगी, आपने पूछा कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आपका बहुत बढ़िया पर्वत है मंगल पर्वत, दोनों मंगल पर्वत अच्छे होते हैं, व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए, व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहिए, बदरपुर रोड़ी सीमेंट का काम करना चाहिए, इंजीनियर से संबंधित काम होते हैं उनको करना चाहिए, निर्माण से संबंधित काम होते हैं, टेक्निकल कार्य होते हैं, ये आपके बनते हैं और उनसे आपको सफलता ठीक से मिल जाएगी। राजकीय योग है हाथ में, राजकीय योग से मेरा मतलब समझ में नहीं आया मुझे आपका, कई तरीके से होता है राजकीय योग। अगर राजनीति की बात करते हैं, ये एक रेखा आपके पास अच्छी खड़ी हो रही है, ये वाली इसके बराबर वाली ये, अगर ये रेखा जाके और नीचे मिल जाए तो निश्चित रूप से ये आपके लिए राजनीति में राजकीय योग है, यानी आपको कुछ ना कुछ ये पद प्राप्ति दिला देगा, तो ये है संकेत हाथ में, इसको मैं कह नहीं सकता कि ये नहीं है। और दूसरा आपने पूछा है ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखने का कोई योग है क्या। अच्छी बुद्धि है आपके पास में, और बृहस्पति पर भी कोई ज़्यादा खराब नहीं है, शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट सही है, बुध पर भी रेखा ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उसको आप इतने स्तर तक नहीं सीख सकते कि आप किसी की भी सटीकता को सही तरीके से कर सकें, वो जो रेखाएँ होती हैं वो आपके पास यहाँ पर नहीं हैं। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी है उसे बिक्री करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी आप बिक्री करना चाहते हैं उसमें अभी आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है, क्योंकि उसमें और भी सावधानी बरतिए, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई व्यक्ति आपसे एग्रीमेंट करे फिर बाद में धोखा दे जाए और झगड़े झंझट ना हो जाए, इन बातों से भी थोड़ा सा आपको बचना है। तो कुल मिलाकर इस प्रॉपर्टी के अगर बिकने की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा इस हाथ से तो नहीं पता लग रहा, कुल मिलाकर के आप उसको प्रयास करते रहिएगा वो तो आपकी बिकी जाएगी, लेकिन अभी मुझे कहीं जल्दी से अच्छे हो दिखाई नहीं देते। तो ये आपके सभी सवालों का जवाब मैंने यहाँ पर आपको दिए, आपको क्या करना चाहिए जीवन में जो आप सही तरीके से अपने जीवन को बड़े तंदुरुस्ती के साथ चला सकें। एक बेहतरीन सा पुखराज आपको पहनना है,
जो धन के साधन लगातार बनाता रहेगा, सही समय पर सही निर्णय लेकर जीवन में तरक्की बनाता रहेगा, संतान सुख सहयोग, पत्नी सुख सहयोग, प्रॉपर्टी सुख सहयोग, सभी आपको इस एकमात्र रत्न से आपके बनते हैं। पूजा में आप चाहे तो प्रतिदिन पूजा के अंदर आप पढ़ सकते हैं संकट नाशन गणेशोत्, संकट नाशन गणेशोत, और साथ में पढ़िए आप लिंगाष्टकम। ये दो पूजा आप चाहें तो प्रतिदिन करें, इससे आपको और अधिक लाभ प्राप्ति होगी। नमस्कार।